नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। इस खबर के प्रायोजक हैं जैन हॉस्पिटल, ट्रस्टेड नेम इन हेल्थ केयर। जैन हॉस्पिटल बिरसा डेंटल कॉलेज कैंपस सेक्टर 8C बोकारो झारखंड। हमारे समाज सेवी ज्योति प्रसाद कोहरी जी, उसके बाद पीओ देवी, आप लोग को फिर सिलेंडर मिलेगा, वहां पर आधार लेकर के खड़ा रहिए, आप लोग को फोटो किया जाएगा। पीओ देवी ज्वाला जी, हमारे उपप्रमुख साहब राकेश मेहता जी, बहुत सारे योजनाओं की जानकारी विस्तार से दिए, हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अब हमारे मंच पर उपस्थित हैं हमारे राहे प्रखंड के जेएसएलपीएस एनआरएलएम के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती समा परवीन जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आज प्रखंड स्तरीय विकास मेला का आयोजन किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार और जिला प्रशासन रांची के निर्देश पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य रजिया खातून जी, राहे प्रखंड विसूत्री अध्यक्ष जवाहर महतो जी, राहे प्रखंड के उपप्रमुख राजकिशोर मेहता जी, समाज सेवी ज्योति जी, राहे प्रखंड SBI के ब्रांच मैनेजर साहब, JSLPS की BPM मैडम, पंचायतों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, प्रेस मीडिया के बंधु और हमारी माताएं बहने, सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस विकास मेला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है सरकार द्वारा जनहित में जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका व्यापक प्रचार प्रसार करना, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना ताकि वो स्वयं इस योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आ सके। बहुत सारे लोगों को आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर, आज विकास मेले का आयोजन किया गया प्रखंड स्तरीय, क्या क्या हुआ? सेवा से समृद्धि की ओर प्रखंड स्तरीय विकास मेला का आयोजन आज प्रखंड परिसर में जिला प्रशासन के निर्देश पर किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सरकार द्वारा जो भी जागरूकता कार्यक्रम, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उन सब के बारे में आम जनता को अवगत कराना, जिससे वे अधिक से अधिक योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। कितने लोगों को क्या क्या योजना का? इस योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के वैसे लाभुक जिनका आवास स्वीकृत हुआ है उनको हम लोग स्वीकृति पत्र वितरण किए। दूसरा, उज्ज्वला योजना के तहत 105 लाभुकों को निःशुल्क गैस का वितरण किया गया। महिला ग्रुप को 10 महिला ग्रुपों के बीच बैंक लिंकेज के तहत उनको 5 लाख रुपए का ऋण दिया गया। वैसे 5 महिला समूहों को हम लोग स्वीकृति पत्र प्रदान किए। मनरेगा के तहत 15 नए जॉब कार्ड बनाकर वितरण किया गया वैसे लाभुक जिनका सिंचाई कूप पूर्ण हो गया है। 25 वैसे लाभुकों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। साथ ही आयुष्मान योजना के तहत 10 लाभुकों को गोल्डन कार्ड वितरण किया गया। उद्देश्य है कि सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे लोगों को उसका पता चले, लोग उसके बारे में जानकारी लें और उसका लाभ ले सकें। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।